Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first lesson of your history, the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 2.2 करेंगे. What did liberal nationalism stand for? लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कहता है, द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री. कहता है कि ये जो टर्म जो है लिबरलिज्म, ये लैटिन के रूट वर्ड लिबर से आया है, जिसका मतलब होता है आजाद. बात क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई. फॉर द न्यू मिडल क्लासेज लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. अगर आपको याद हो तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई तो उसके बाद यूरोप में एक नया तबका, एक नया सोशल ग्रुप एग्जिस्टेंस में आया, जिसको हम जो है मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं, न्यू मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं. तो कहता है कि जो नया मिडिल क्लास जो था, उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब था आम इंसान की आज़ादी और कानून के नज़र में तमाम लोगों की बराबरी. यानी कहने का मतलब है कि तमाम लोग आज़ाद हों और कानून के नज़र में तमाम लोग बराबर हों. पॉलिटिकली इट इम्फेसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. कहता है कि पॉलिटिकली लिबरलिज्म जो है वह जोर देता था लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार पर या सहमति से बनाई गई सरकार पर. यानी कहने का मतलब, पॉलिटिकली इसका मतलब था कि देश में एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, लोगों की सहमति से चुनी हुई सरकार हो. सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेज और कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. कहता है कि आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ज़माने से ही लिबरलिज्म का मतलब था ऑटोक्रेसी का खात्मा, मतलब देश में किसी तरह का कोई लॉलेसनेस नहीं हो, एक इंसान के हाथ में तमाम पावर नहीं हो, और जो है जिन लोगों को बर्थ के हिसाब से प्रिविलेज मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, उसका खात्मा. उसके अलावा देश में एक संविधान हो और संविधान के तहत जो है वह पूरे देश को चलाया जाए और सरकार जो है वह पार्लियामेंट के जरिए से चलाया जाए और पार्लियामेंट में जो है वह लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वह बैठे, मतलब लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, वह रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में जाएं और वह देश को चलाएं. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त से लिबरलिज्म का क्या मतलब था? ऑटोक्रेसी का खात्मा, बर्थ के हिसाब से जो प्रिविलेज मिलता था उसका खात्मा, देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का होना. कहता है क्या, येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिडंट नेसेसियरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. कहता है क्या कि जो लिबरल्स जो थे उस जमाने के, इक्वालिटी बिफोर द लॉ में यकीन करते थे, मतलब उनका मानना था कि तमाम लोग कानून के नज़र में बराबर होने चाहिए, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं था कि वह यूनिवर्सल सफरेज में बिलीव करते थे. सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार. तो उस जमाने के जो लिबरल्स थे उनका ये मानना था कि तमाम लोगों को वोटिंग का राइट नहीं होना चाहिए. वोटिंग का राइट जो है जिनके पास जायदाद है, जो अमीर लोग हैं, जो टैक्स पे करते हैं, सिर्फ उन्हीं के पास होना चाहिए, बाकी लोगों के पास नहीं होना चाहिए. अगर आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद हो तो हमने पढ़ा था कि जब फ्रांस जो है आप देखेंगे लुई द 16 के जुल्म सितम से जब आज़ाद हुआ और फ्रांस जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसमें देखिएगा कि दो तरह का कॉन्सेप्ट था, एक एक्टिव सिटीजन और एक पैसिव सिटीजन. जिनको वोटिंग का राइट होता था उनको एक्टिव सिटीजन्स कहते थे और जिनको वोटिंग का राइट नहीं होता था उनको पैसिव सिटीजन्स कहते थे.
तो देखिएगा कि जो अमीर लोग जो थे सिर्फ उन्हीं को वोटिंग का राइट दिया गया था, जो गरीब लोग या जो औरतें जो थी उनको वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है कि वोटिंग का राइट जो है, जो उस जमाने के जो लिबरल्स थे वह यूनिवर्सल सफरेज में बिलीव नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि औरतों को और जो गरीब लोग जो हैं उनको वोटिंग का राइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर बता भी रहा है, मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वोमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। कहता है क्या वैसे मर्द जिनके पास जायदाद नहीं था और तमाम औरतों से पॉलिटिकल राइट्स को छीन लिया गया था, मतलब उनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। ओनली ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल अडल्ट मेल इंडिवाइज सफरेज। कहता है कि अगर मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर, अगर आपको याद हो, जैकोबिन क्लब याद हो, तो आप देखिएगा कि जब फ्रांस रिपब्लिक बनता है और जैकोबिन क्लब की सरकार आती है तो कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन तमाम जो मर्द जो थे, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों, सब किसी को वोटिंग का राइट दिया गया था। लेकिन उस जमाने में भी औरतों को वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था। हाउ एवर द नेपोलियोनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वोमेन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर सब्जेक्ट टू द ऑथोरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। कहता है कि हालांकि जब नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड, या जिसको कोड नेपोलियन या सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं, जब उसने लागू किया, तो उसने जो है औरतों के स्टेटस को और ज्यादा गिरा दिया। उसने कहा कि औरतें जो है वो माइनर हैं, यानी कहने का मतलब उनके पास, वह हमेशा जो है वो नाबालिग रहेंगी, मतलब उनके पास उतना दिमाग वगैरह नहीं है। ये जो है नेपोलियन का मानना था, और औरतों को हमेशा जो है फादर के अंडर में या फिर शादी के बाद हस्बैंड के अंडर में काम करना होगा, रहना होगा, उनके पास वोटिंग का राइट नहीं होगा, पॉलिटिकल राइट्स वगैरह नहीं होंगे। तो मैंने बताया था कि सिविल कोड के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थीं, लेकिन औरतों के लिए सिविल कोड ऑफ 1804 बेहतर चीज़ नहीं थी। उसने उनके स्टेटस को रिड्यूस कर दिया, उनको एक तरह से जो है कह सकते हैं कि उनका पॉलिटिकल राइट्स उसने छीन लिया। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज वोमेन एंड नन प्रोपेट्राइड मेन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। कहता है कि पूरा 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में जिन औरतों को, मतलब तमाम औरतों को वोटिंग का राइट नहीं था, मतलब तमाम औरतें और जिन मर्दों को वोटिंग का राइट नहीं था, ये लोग संघर्ष करते रहे। और आप देखेंगे कि संघर्ष जो है वह रंग लाया, सफल हुआ, और फाइनली जो है 20th सेंचुरी के, आप देखेंगे 20th सेंचुरी में जो औरतें थीं और वैसे मर्द जिनके पास जायदाद नहीं था, उन लोगों को वोटिंग का राइट मिला। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो यूजफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेट्स ऑल, थैंक यू।